देवभूमि के नाम से जाने जाने वाला हमारा उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। इसी उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून शहर, जिसे दिलवालों का शहर भी कहा जाता है। अगर पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो ये पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। यहाँ मंदिर हैं जो आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। यूँ कहा जाए कि एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है हमारा देहरादून शहर। इसी देहरादून की एक खूबसूरत से पर्यटन स्थल मालसी डियर पार्क में आज दूरदर्शन की पूरी टीम आ पहुंची है। मालसी डियर पार्क, जिसे मिनी जू के नाम से भी कहा जाता है, क्या कुछ है यहाँ पर खास जो इसे बनाती है औरों से अलग, चलिए देखते हैं। देहरादून का मिनी चिड़ियाघर, देहरादून जू, मालसी डियर पार्क, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में देहरादून मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। सन 2016 तक ये जू मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था, जो मुख्य रूप से हिरणों के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मालसी डियर पार्क की स्थापना सन 1976 ईस्वी में वन चेतना केंद्र के रूप में की गई, ताकि लोगों को वन और वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया जा सके। देहरादून जू का क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर है, जिसमें 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर्यटकों के घूमने और आने जाने के लिए रखा गया है। देहरादून जू में हम एंटर कर चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पक्षियों की चहचहाट के साथ। कहते हैं कि इस जू में पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी, तो चलिए हम भी देखते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां यहां पर बर्ड्स की मौजूद है। आइए मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के इस खूबसूरत मेहमान कोकाटेल से, जिसका शरीर मुख्य तौर पर ग्रे और पंखों में सफेद रंग का होता है। यह है कालिज विजेंट। ये पाकिस्तान से पश्चिमी थाईलैंड के बीच हिमालय के तलहटी क्षेत्र में मिलते हैं। अब आइए मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के इस प्यारे प्लम हेडेड पैराकीट से, जो तोते की एक नस्ल कही जा सकती है। लंबी पूंछ और पक्षियों की बड़ी प्रजातियों में भारतीय उपमहाद्वीप का ये अलेक्जेंड्रीन पैराकीट मुख्यतः शाकाहारी होता है और फल फूल सब्जियां और बीज आदि खाना पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया के इस छोटे और लंबी पूंछ वाले तोते को बजरीगर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी और दक्षिणी चाइना का ये सिल्वर फिजेंट एक गेम बर्ड है। पश्चिमी और मध्य चाइना के इस गोल्डन फिजेंट को चाइनीज फिजेंट भी कहा जाता है। आइए अब मिलते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर से। ये अपने चमकदार नीले हरे रंग से और अपनी खूबसूरती से
सभी को मोहित कर लेते हैं। कॉमन फिजेंट या रिंग नेक्ड फिजेंट एशिया के निवासी हैं और यूरोप के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये यूरोप के राज्य पक्षी माने जाते हैं। साउथ अमेरिका के इस ब्लू एंड येलो मकाओ को ब्लू एंड गोल्डन मकाओ भी कहा जाता है। इन्हें अनाज फल वगैरह विशेष पसंद है। उत्तरी और मध्य दक्षिणी अमेरिका के इस रेड एंड ग्रीन मकाओ का कॉमन नाम ग्रीन विंग्ड मकाओ है। दुनिया का यह सबसे बड़ा और लंबा पक्षी ऑस्ट्रिच मूलतः अफ्रीका का निवासी है। इसकी ऊंचाई 7 से 9 फुट तक होती है। 2 पैरों वाले जानवरों में ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज धावक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी ईमू अपनी लंबी गर्दन और पैरों के कारण खास तौर पर आकर्षित करता है। दुर्लभ इंडियन वल्चर दुनिया में गिद्धों की एक प्राचीन प्रजाति है। ये एक लंबी आयु जीने वाला पक्षी है और एक धीमी प्रजनन प्रक्रिया वाला जीव है। इसके अलावा यहाँ देश और विदेश की कई प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जो न केवल मोहक हैं, बल्कि उनकी चहचहाहट भी अपनी ओर आकर्षित करती है। पक्षी का बाड़ा हमारा शुरू होता है। इसमें हमारे यहाँ लगभग 15 स्पेसीज हैं पक्षियों की। संगनूर हैं, इसमें पैराकीट्स हैं, काली फिजेंट है और सिल्वर ग्रे है। इसके अलावा लव बर्ड और बजरीगर है, सिल्वर फिजेंट है और गोल्डन फिजेंट है और मोर हैं और इसके अलावा मकाऊ है, ऑस्ट्रिच है, ईमू है और इंडियन वल्चर। ये हमारा पक्षी का जो पक्षी वर्ग है वो उसका उसके बाड़े हैं। एलिगेटर आते हैं, एलिगेटर के साथ हमारा जो है मगरमच्छ है, मगरमच्छ के साथ साथ हमारा जो है कछुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ स्नेक हाउस हैं, जिसमें हमारे यहाँ 12 स्पीसीज हैं स्नेक की। स्नेक के साथ हमारा जो अगला जो वो है वो फिश एक्वेरियम है, जिसमें हमारे यहाँ 35 पौंड इनके हैं फिशेस के, और इसमें 35 प्रकार की फिशेस हमने रखी हैं। कैक्टस गार्डन में हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा स्पीसीज हमने कैक्टस की रखी हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो बड़े एनिमल हैं उसमें 2 लेपर्ड हैं, एक मेल और फीमेल है। हिरन की 3 स्पीसीज है हमारे यहाँ, चीतल है उसमें, काकड़ है और सांभर है। इसके अलावा एक हिमालयन गोट के नाम से हमारे यहाँ एक घुरड़ नाम का वाइल्ड स्पीसीज है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पक्षी वर्ग में एक आउल है हमारा, और इतनी सारी जो स्पीसीज हैं लगभग 450 के आसपास हमारी जो है पूरी जो है वाइल्ड स्पीसीज हमारे पास वर्तमान में मौजूद है। देहरादून जू का एक मुख्य आकर्षण एडवेंचर पार्क इन दिनों पर्यटकों व स्थानीय निवासियों को भी खूब लुभा रहा है, जिसमें मुख्यतः जिप लाइन, बर्मा ब्रिज और कमांडो नेट जैसी एक्टिविटीज से यहां आने वालों को मनोरंजन और रोमांच का भी लुत्फ मिलता है। एडवेंचर का शौक रखने वाले भी देहरादून के इस जू में आ सकते हैं, जहां पर उन्हें एडवेंचर की बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी।
यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने एडवेंचर की कौन कौन सी एक्टिविटीज की। देहरादून के इस जू में कौन सा एडवेंचर की एक्टिविटी आपने अभी की? रोप वे पे राइड किया, अच्छा था, मतलब थोड़ा सा फनी भी था, मज़ा आ रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, दोनों चीज़ थी। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है जू का, बच्चे बहुत खुश हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं और ये लोग भी बहुत सपोर्टिंग हैं, जो स्टाफ है जो भी है। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एडवेंचर की कौन सी एक्टिविटी आपने अभी करी? मैंने अभी रोप पे चलना, मतलब वहाँ पे बैलेंस बनाना था आपको अपने पैरों से, मतलब आपको चल के आपको बॉडी वेट बैलेंस करना था, आपको रोप पे चलना था, आपको दोनों हाथों से मतलब रोप को पकड़ के चलना था, तो मैंने वो भी वो किया, मतलब बॉडी वेट कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको मतलब हमें बैलेंस करना है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे अरेंजमेंट है, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, वेरी गुड। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी हैं आपने एडवेंचर की? सब कुछ कर लिया, कुछ बच्चों ने की, कुछ हमने की, ऑल आर गुड, सब बहुत अच्छा है। देहरादून एक बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ आते ही सबसे पहले जो कोई भी हमको टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताता है वो बोलता है कि देहरादून जू जरूर देखिए, इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू बी इन। और यहाँ भी हमें एक ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जो मिला, इट वॉज़ अ रियल नाइस सरप्राइज। बाहर भी हमने बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, हिमाचल भी हमारे आगे करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ वाला इट वॉज़ अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक 10 ईयर्स ओल्ड किड और एक पाँच साल का बेटा, उसने भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है बेटी ने, और बहुत इन्जॉय किया है, इट इज़ वेरी नाइस। और ये 3-4 स्लाइड्स एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था और हमने सारी एक्टिविटीज़ की हैं, इट इज़ वेरी गुड। वंस इन अ लाइफ टाइम, मेरे को लगता है हर जगह तो ये मौका मिलता नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि पूरा इन्जॉय करें। एडवेंचर की जितनी सारी एक्टिविटीज़ आपने अभी देखी, उसको करवाने वाले ट्रेनर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि एडवेंचर की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अभी करवाई जा रही हैं। अच्छा, सेफ्टी की अगर बात की जाए तो किस तरीके से सेफ्टी दी जाती है जो ये एडवेंचर की एक्टिविटीज़ होती हैं? मैम, यहाँ पर हमारे पास हार्नेस है और हेलमेट, कैराबाइनर वगैरह है, रोप है जो माउंटेन क्लाइंबिंग में काम आती है ज़्यादातर, और आपका हम बेस जो होते हैं वो अपना पहले चेक करके रखते हैं। रेंगने वाले जीवों के लिए बनाया गया स्नेक हाउस भी आपको आनंदित और रोमांचित कर सकता है, जहां भारतीय नाग, बॉल पाइथन, रसेल सांप, कॉमन करैत, रॉक पाइथन, रेटिकुलेट पाइथन, वाइन स्नेक, बर्मी अजगर और इगुआना आदि उपलब्ध हैं। अभी हम मौजूद हैं देहरादून जू के ही एक और पार्ट स्नेक हाउस में, जहां पर स्नेक्स की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं। यहां से कुछ लोग जो बाहर को आ रहे हैं उनसे जानते हैं कि स्नेक्स की कितनी सारी वैरायटी उन्होंने अंदर देखी हैं। तो यहां पे मतलब देहरादून में रह के एक फ़ायदा जो हमें लगता है, मतलब देहरादून में यहां रह के, वो यही लगता है कि मतलब आप जैसे कुछ लोगों को और जैसे हम लोग हैं आजकल के टीनेजर्स, इनको स्नेक्स और ऐसी चीज़ों का आजकल बहुत शौक है, तो यहाँ पे मतलब कुछ तो नहीं मतलब दिखते, क्योंकि सर्दियों में जैसे आप देखते हैं कि सांप अंदर ही रहते हैं और गर्म जगहों को प्रेफर करते हैं, तो कुछ जैसे कोबरा और ऐसे सांप तो हमें नहीं देखने को मिले, बट पाइथन और मैम्बा जैसे चीज़ें जो हमें और मतलब अट्रैक्ट करती हैं, हमारा ध्यान खींचती हैं, वो ज़रूर हमें यहाँ देखने को मिली हैं, और जिससे हम बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि मतलब देख के हमें अच्छा सा लगता है, और तो इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। और ये स्नेक्स, मतलब स्नेक्स मुझे और मेरी जो छोटी बहन है उन्हें हमें बहुत पसंद है, तो देख के जो एक्साइटमेंट हमारा बड़ा उससे हमें बहुत अच्छा लगा। तो कौन कौन सी वैरायटी देखी आपने अंदर? यहाँ पे रॉक पाइथन तो दिखानी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पे जैसे छोटे स्नेक, बॉल पाइथन वगैरह अच्छे दिखे। यहाँ म्यूज़ियम का पता लगा, सच में स्नेक्स की काफ़ी ब्रीड है यहाँ पे और बर्ड्स की भी काफ़ी वेराइटीज़ हैं, और देख के बहुत अच्छा फील हुआ। सबसे मेन चीज़ इस जू की जो सफाई है वो बहुत अच्छी है।
आइए अब चलते हैं एक्वेटिक वर्ल्ड की तरफ, जहां ऑस्कर, एलिगेटर गर, सिल्वर डॉलर, स्पॉटेड स्कैट, जैगुआर, इरिडिसेंट शार्क और तमाम दुनिया भर की 40 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियों को आप देख सकते हैं और अपनी और अपने बच्चों की जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। स्नेक हाउस में अभी जैसे आपने स्नेक्स की बहुत सारी वैरायटी देखी, तो अब बारी आती है एक्वेटिक वर्ल्ड की, जहां पर आपको फिशेस की भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी। यहां पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कौन सी फिशेस की वैरायटी देखी है। मैम, अंदर जाके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमको, और मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी को इधर आना चाहिए, बच्चों को बुला के और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चों को कुछ नॉलेज भी मिलेगी इस बारे में। आप बताएं कौन कौन सी वैरायटी है। मैं बहुत सारी फिशेस देखने को मिला है इधर आके, जैसे कि रेड टेल फिश है, गोल्डन फिशेस हैं और भी अन्य बहुत सारी फिशेस देखी और बहुत अच्छा लगा इधर आकर। वनस्पतियों का संसार भी अपने आप में बड़ी रोचकता और विविधता लिए हुए है। यहाँ कैक्टस पार्क में आप केवल कैक्टस की ही विभिन्न प्रजातियों का अवलोकन कर प्रकृति की खूबियों से और भी ज्यादा परिचित हो सकते हैं। मालसी डियर पार्क, जिसे देहरादून जू के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तो ये पार्क कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एहसास होगा प्रकृति के स्पर्श का। यहाँ पर बच्चों के लिए फन पार्क है, इसके अलावा एडवेंचर के बहुत सारी एक्टिविटीज और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो आइए आप चलते हैं लोगों के बीच और उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जू में आने के बाद। मेरा नाम दीपक डिमडी है और आज बच्चों के साथ जू देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा अनुभव है। साथ में बर्ड्स देखी, विभिन्न प्रकार की बर्ड्स, और एक्वेरियम देखा, साथ में लेपर्ड और डियर्स। वन विभाग ने काफ़ी मेहनत की है इनको संरक्षण करने के लिए, और एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और जानवर हों, जैसे लायन या डियर वगैरह, हिमालयन हिम तेंदुआ नहीं है, जबकि क्लाइमेट उस को अलाउ करता है। तो रिक्वेस्ट होगी वन विभाग से कि कुछ और एनिमल्स बढ़ाएं। देहरादून जू में एक मादा और एक नर गुलदार भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। जब मैं यहाँ आया जू में, तो बहुत अच्छा लगा देख के कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब नेचर से कनेक्ट करती है, तो वो हमें देखने को यहाँ मिलती है। जैसे कि लोग बहुत सारे यहाँ आते हैं, मगर कुछ टाइम बाद, जैसे कि यहाँ पे ये लेपर्ड है और उसके सामने लोग जाते हैं तो सब झुंड बना के चले जाते हैं, जिससे वो डर जाता है, और जब डरने के कारण वो जब डरता है तो वो भागने लग जाता है, इसलिए वो फोटो में नहीं आ पाता है। और मेनली तो लोग वही देख रहे हैं, क्योंकि गढ़वाल से लोग आए हैं, हमें तो आदत पड़ी हुई है उनको देखने की, तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट ना होकर हम किसी दूसरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो है हमारा नेचर ऑफ ब्यूटी। बहुत अच्छा लगा, साफ सुथरी जगह, पेड़ पौधा, जानवर, बहुत अच्छा लगी।
हाँ वो बात छे कि मैं एक ग्रह देखने खड़ा हूँ चाहे पुरुषियाँ छी तो वो मेरा दिखा नहीं छी और मैं तो एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने खड़ा मिली जन्म में शुतुरमुर्ग एक तैल बार आख देख और यख का और यख आकी मेरे कछुआ बैल बारी देखी और एक बहुत अच्छा अच्छा चकला छाई जो मिल देखा छी और मैं तो एक बहुत अच्छी लगे मैं और भी बोलूँ कि यख है और यख साफ स्वच्छता और यख पेड़ पौधा और यख का जानवरों से प्यार करे और यख साफ स्वच्छता बनाए रखे। आइए अब मिलते हैं प्राणी उद्यान में मौजूद दूसरे साथियों से। घड़ियाल ये दुनिया के जीवित मगरमच्छों में सबसे अधिक लंबाई वाली प्रजाति है। सामान्य तौर पर इनकी लंबाई 11 से 15 फुट होती है और ये 20 फुट तक के भी हो सकते हैं। दक्षिणी ईरान, पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका के अलावा भूटान, म्यांमार में पाए जाने वाले मगरमच्छ से भी आप देहरादून जू में मिल सकते हैं। मादा मगरमच्छ की लंबाई 7.5 से 10 फुट और नर मगरमच्छ 9 से 11 फुट तक के हो सकते हैं। हम लोग बेसिकली अभी जू देखने के लिए आए थे यहाँ पे और अभी हम लोग विजिट कर चुके हैं यहाँ पे। हमने अभी लेपर्ड देखा उस और एक्वेरियम हम लोग देख चुके हैं, स्नेक एरिया हम लोग देख चुके हैं। स्नेक एरिया में हम लोग को दिखा नहीं क्योंकि अभी ठंड की वजह से स्नेक बाहर है नहीं, तो एक दो ही हमें जो उनकी जो वैरायटी है वही हमें दिख रही है, अदरवाइज सारे अंडरग्राउंड हैं अभी। और एक्वेरियम में हम लोग को अच्छा लगा, अच्छा उनकी पूरी वैरायटी वहाँ पे दिख रही है और लेपर्ड भी है खुले में दिख रहा है हम लोग को, तो तीन चीज़ हम लोग अभी तक यहाँ पे देख चुके हैं। जहाँ देहरादून जू बड़ों को भी खूब आनंदित करता है, वहीं बच्चों के लिए तो ये स्पॉट और भी ज्यादा मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बन जाता है। बच्चों को ही ध्यान में रखकर फन पार्क का भी निर्माण यहाँ किया गया है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन का विशेष ख्याल रखा गया है। जू घूमने आए हैं, हमें घूम के काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे हमने काफ़ी विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे हैं जो विलुप्त होती हुई प्रजातियाँ हैं जिनको सुरक्षित करके यहाँ पे रखा गया है। और उसके अलावा हमने तेंदुए देखे जो कि बहुत ही अपने लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, उनको यहाँ संभाल कर रखा गया है। और उसके अलावा जो उत्तराखंड की अपनी जो उत्तराखंड की जो अपनी निजी नस्लें हैं वो भी यहाँ पर हमने देखी हैं। उसके अलावा बच्चों के घूमने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं आम लोगों के लिए, ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आज मैं जू गई हूँ, मैंने आज यहाँ पर आके हुए मैं बहुत सारी तरह की फिशेज देखी, जैसे गोल्ड फिश, जैगवार एंड जैगवार फिश, और मैंने जू में अलग अलग तरह के एनिमल्स देखे, बहुत सारी बर्ड्स देखी और लेपर्ड देखा। देखी मच्छी, शेर, हिरन, कई 50 यार का मरिया। हाँ देख ली, शेर बहुत बड़ा, बाप रे, हाँ सब कुछ देख ली। सरकार का बहुत इंतजाम, देखा बाप रे, धन्य बाग, धन्य धन्य होता हूँ गए। कैसा लगा आपको देहरादून का ये खूबसूरत सा पार्क? अगर आप भी इच्छुक हैं कहीं आउटिंग करने के तो इससे बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ मस्ती है, मौज है, एडवेंचर है और भी बहुत कुछ। वैसे भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है मानसिक शांति की तलाश, तो इससे बेहतर जगह उनके लिए कुछ और नहीं हो सकती। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएं, तो उसके लिए भी देहरादून का ये जू बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी एक और नए कार्यक्रम में, एक और नई जगह पर। तब तक के लिए DD उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।